हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेट डायग्राम स्टेट डायग्राम पे किस किस तरीके से प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको गिवन हो सकता है और किस किस तरीके से आप अपने डिजाइन ऑब्जेक्ट को अचीव करेंगे उसे हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसी कंटिन्यूटी में आज का जो हमारा प्रॉब्लम है उसमें आपको इस स्टेट डायग्राम दिया गया है और कहा गया है प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज डिज़ाइन अ सिक्वेंशियल सर्किट विथ गिवन स्टेट डायग्राम विथ टी फ्लिप फ्लॉप्स ओके okay? तो आपको एक ऐसा सिक्वेंशल सर्किट डिज़ाइन करना है जिसमें ये स्टेट डायग्राम इम्प्लीमेंट होता हो एज़ वेल एज जो आप फ्लिप फ्लॉप यूज में लें वो टी फ्लिप फ्लॉप हो ठीक है तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए पहले हमारा पहला हमारा स्टेप रहेगा कि हम स्टेट डायग्राम को ध्यान से देखें यहाँ पे आप देखिए कि स्टेट डायग्राम में आपकी पांच स्टेट्स मेंशन की गई है और हर स्टेट जो है वो तीन बिट की है इसका मतलब इस सिक्वेंशल सर्किट को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने तीन फ्लिप फ्लॉप काम में लिए होंगे ओके हमने तीन फ्लिप फ्लॉप काम में लिए होंगे और हर फ्लिप फ्लॉप की स्टेट को आपने जीरो जीरो वन हर फ्लिप फ्लॉप की जो प्रेजेंट स्टेट है उसको आप एक बिट असाइन करते हैं तो अगर तीन बिट की स्टेट से इट मीन आपके पास तीन फ्लिपफ्लॉप्स रहे होंगे और उनके Q को आपने A, B और C, A, B और C यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट ऑफ फ्लिपफ्लॉप है और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो सर्किट की प्रेजेंट स्टेट और इनकी नेक्स्ट स्टेट का कॉम्बिनेशन सर्किट की नेक्स्ट uh, स्टेट बन जाती है यहाँ पे इस स्टेट डायग्राम में इस प्रॉब्लम स्टेट में ये और मेंशन किया गया है कि वन इनपुट लाइन एंड वन आउटपुट लाइन इज There. अगर आप इस स्टेट डायग्राम को देखते हैं तो एक इनपुट होगा वो इनपुट आपका एक्स हो सकता है और इन सभी फ्लॉप्स को एक्स एज वेल एज किसी और फ्लॉप के स्टेट्स का इनपुट का कॉम्बिनेशन मिल रहा है और इन्हीं इन प्रेजेंट स्टेट और इनपुट का फंक्शन कहीं पे आपका आउटपुट है इनपुट है एक्स आउटपुट है वाई और तीन फ्लिप फ्लॉप्स हैं तीन फ्लिप फ्लॉप्स को हमने अभी के लिए ए बी और सी असाइन किया है कहा गया है कि इस सर्किट को टी फ्लिप फ्लॉप से असाइन करना है तो तीन टी फ्लिप फ्लॉप्स हैं ठीक है टी ए टी बी एंड टी सी इसके तीन इनपुट्स होंगे यहां ध्यान में देने देने की बात है कि अगर आप एन फ्लॉप्स काम में लेते हैं एन फ्लॉप से पॉसिबल स्टेट्स कितनी होती है टू रेज टू पावर एन ठीक है एन फ्लॉप का मतलब आपके पास एन बिट्स होंगी इस सर्किट इस सिक्वेंशियल सर्किट की स्टेट को बताने के लिए ना हर फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट को हम एक बिट की तरह कंसिडर कर रहे हैं तो अगर एन बिट की स्टेट है तो टोटल कितने बिट्स बन सकती है टू रेस टू पावर एन इट मीन्स अगर तीन बिट का आपका सिक्वेंशल सर्किट का प्रेजेंट स्टेट है तो तीन फ्लॉप लगे हैं और तीन फ्लॉप अगर लगे हैं तो कितनी स्टेट्स बनती हैं एट पॉसिबल स्टेट्स होनी चाहिए यहाँ पे आपको जो स्टेट्स दिखाई गई है वो केवल पांच है वॉट डज इट मीन कि रेस्ट ऑफ द तीन जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में आपका सिक्वेंशल सर्किट एंटर नहीं करता और उन कॉम्बिनेशंस को आप डोंट केयर टर्म की तरह यूज में लेंगे ओके तो यहाँ पे अगर तीन आपकी स्टेट्स अगर तीन बिट्स हैं तो कौन कौन सी पॉसिबल आपकी स्टेट्स होती है ज़ीरो 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 वन ज़ीरो वन ज़ीरो जीरो वन 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 ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन 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 ज़ीरो एंड वन 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 इसमें से आप देखिए कि ये सीक्वेंस है आपके पास और ज़ीरो ज़ीरो वन भी है और ज़ीरो वन ज़ीरो भी है ज़ीरो वन वन भी है एंड वन ज़ीरो ज़ीरो भी है तो ये पाँच स्टेट्स जो है वो एग्जिस्ट करती है फाइव सिक्स और सेवन प्रेजेंट स्टेट के इस कॉम्बिनेशन में आपका फ्लिप फ्लॉप एंटर नहीं करेगा ए बी और सी के जब भी ये कॉम्बिनेशन होंगे तब आप डोंट केयर टर्म मेंशन करेंगे इस सर्किट को डिज़ाइन करते वक्त आई बात समझ में नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप्स कैलकुलेट करेंगे और फिर उनके साथ कौन कौन सी अगर उसमें डोंट केयर कंडीशंस हैं तो उनको आप फाइंड आउट करेंगे और फिर एक एक करते हुए आप अपने सर्किट डिज़ाइन के ऑब्जेक्ट को फुलफिल करेंगे तो यहाँ पे ये आपका डिटेल टेबुलर डिस्क्रिप्शन रहेगा जिसमें कि एंट्री करते हुए आप इस सर्किट को डिज़ाइन कर पाएंगे पहला काम बहुत सारी जो भी आपकी टेक्स्ट बुक्स है उनमें हर राइटर का अपना अपना एक तरीका रहता है कि वो किस तरीके से इनपुट वेरिएबल और प्रेजेंट स्टेट्स और नेक्स्ट स्टेट को मेंशन करता है मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप जब इनपुट और प्रेजेंट स्टेट को मेंशन करें तो इनपुट को एल एस भी बना लें फिर प्रेजेंट स्टेट को आप यहाँ पर मैंशन करें उसी से जो उसका नेक्स्ट कॉलम है उसमें आप नेक्स्ट स्टेट को एंटर करें ठीक है जब हमें सिक्वेंशियल सर्किट डिजाइन करना होता है तो सिक्वेंशियल सर्किट में वेरिएबल क्या होंगे इनपुट एज वेल एज प्रेजेंट स्टेट ये ए बी और सी क्या है बेसिकली क्यू ए क्यू बी और क्यू सी है किसका ओके okay? आगे बात समझ में ये हम बहुत डिटेल में सिक्वेंशियल सर्किट एनालिसिस में पढ़ चुके हैं तो आपके अगर चार वेरिएबल्स हैं तो इस ट्रुथ टेबल में एंट्री 16 पॉसिबल एंट्रीज हो सकती है ये आपका इनपुट रहेगा जो जीरो और वन हो सकता है और ये आपकी प्रेजेंट स्टेट है जो जीरो 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 से वन 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 हो सकती है तो इस इनपुट और इन तीन कॉम्बिनेशन के साथ टोटल सिक्सटीन पॉसिबल यहां पे एंट्रीज होंगी एज वेल एज नेक्स्ट स्टेट से जुड़ी हुई प्रेजेंट स्टेट्स रहेंगी और प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट के ट्रांजिशन के हिसाब से आप अपने फ्लॉप के इनपुट्स को फिल करेंगे इन दोनों स्टेट ट्रांजिशन के हिसाब से फ्लॉप के इनपुट को एंटर करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल याद होनी चाहिए ठीक है वो आप आ, छोटे से ब्लॉक में साइड में लिख लेंगे आपको जो भी फ्लॉप मेंशन किया गया है आप उसकी एक्साइटेशन टेबल लिख लेंगे यहाँ पे हमारे पास अभी थोड़ा सा जो केस है वो सिंपल है क्योंकि टी फ्लिप फ्लॉप है टी फ्लिप फ्लॉप में हम देख लेंगे कि अगर जीरो से जीरो या वन से वन मूवमेंट हो रहा है तो टी ज़ीरो है और अगर स्टेट टॉगल हो रही है किसी फ्लिप फ्लॉप की तो टी जो है वो वन होना चाहिए तो यहाँ पे आपको टी फ्लिप फ्लॉप के केस में एक्साइटेशन टेबल नहीं लिखनी है जे के और आर एस के केस में हमें एक्साइटेशन टेबल साइड में कॉर्नर में यहाँ पे लिख लेनी चाहिए ताकि हम यहाँ पे एंट्री ठीक से कर सकें हर एंट्री के साथ आप आउटपुट को भी एंटर करते जाएंगे ताकि आपसे इस टेबल में कोई भी गलत एंट्री ना हो ये टेबल बनाने के बाद जिसमें इनपुट प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट सभी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट और आउटपुट है उसके बाद हम एंट्री करना शुरू करें अगर ये चार वेरिएबल्स हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है ज़ीरो 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 वन वन जीरो वन जीरो, जीरो वन 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 जीरो ज़ीरो वन जीरो वन 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 जीरो एंड वन 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 ये हुई आपकी इनपुट ज़ीरो के लिए टोटल एट कंडीशंस, ओके अब यही कंडीशंस इनपुट वन के लिए भी होगी ज़ीरो 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 वन ज़ीरो वन जीरो जीरो वन 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 जीरो जीरो वन जीरो वन 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 जीरो एंड वन 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 ओके आई होप ये आपको समझ आ पा रहा है कि हम किस तरह से ये सिक्सटीन एंट्रीज करेंगे ओके okay? और यहाँ पे आपका जो x है वो आपका वन हो जाएगा ओके okay? तो ये आपकी सारी पॉसिबल एंट्रीज हो गई हैं इनपुट और प्रेजेंट स्टेट के सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखने के बाद अब अब हम इस टेबल में एंट्री करेंगे और ये एंट्री करते वक्त हम स्टेट डायग्राम को रेफर करेंगे ठीक है तो यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखेंगे कि इनपुट जब वन ज़ीरो वन जब ए बी सी वन जीरो वन 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 ज़ीरो और वन वन की कॉम्बिनेशन में आएगा तो आपको डोंट केयर टर्म एंटर करना है ठीक है यहाँ पे आप देखिए कि आपकी अगर इनिशियल स्टेट ए बी सी ये एक्स जो है वो इनपुट है ए बी सी जो है वो आपकी स्टेट्स हैं अगर इनिशियल स्टेट जीरो 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 थी और इनपुट आपने जीरो दिया ठीक ये था यहां पे इसका केस इस पर आप देखिए कि अगर आप इनपुट जीरो 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 स्टेट पे इनपुट जीरो देते हैं तो आउटपुट जीरो आता है नेक्स्ट स्टेट हो जाती है जीरो वन वन तो आप यहां पे स्टेट लिखिए जीरो वन वन अलॉन्ग विथ आउटपुट जीरो आउटपुट की एंट्री भी आप साथ के साथ करें फिर उसके बाद अगर जीरो ज़ीरो 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 वन आपकी स्टेट है और आपने ज़ीरो एंट्री दी ये स्टेट कहाँ है यहाँ पे। अगर आपने ज़ीरो इनपुट दिया तो आउटपुट ज़ीरो और स्टेट वही मेंटेन रहेगी स्टेट वही मेंटेन रहेगी तो क्या रहेगा ज़ीरो ज़ीरो वन जो है वो जीरो ज़ीरो वन ही रहेगा ये मैंने एक साथ लिखे थे ताकि आप इनको आ, समझ सके आप अब केवल इन तीनों में आप ट्रांजिशन को नोटिस कीजिए दो केस के लिए एक्स इक्वल्स टू जीरो और एक्स इक्वल्स टू वन के लिए नाउ यू कॉन्सेंट्रेट ओवर दीज टू कॉलम्स ये है ए टी बी टी और ये है टी प्लस वन ओके क्या स्टेट है नेक्स्ट स्टेट से प्रेजेंट से सॉरी प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है उसकी एंट्री हम कर रहे हैं अब अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट जीरो वन जीरो थी जीरो वन जीरो कहाँ है ये रहा और आप अगर इनपुट जीरो देते हैं तो आउटपुट भी जीरो स्टेट वही की वही तो आपने एंट्री किया विथ अच्छा इसका भी ये था ना आउटपुट हां ये एंट्री भी हो गई फिर नेक्स्ट स्टेट है आपकी जीरो वन वन हम ए बी सी को डिटेल में लिख रहे हैं जीरो वन वन जीरो वन वन की ये स्टेट है इसमें अगर आप जीरो इनपुट देते हैं तो नेक्स्ट स्टेट ये हो जाती है विथ आउटपुट जीरो तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो गई जीरो जीरो वन नेक्स्ट स्टेट हो गई जीरो जीरो वन आउटपुट जीरो फिर नेक्स्ट स्टेट आती है ए बी सी का क्या कॉम्बिनेशन वन ज़ीरो जीरो वन ज़ीरो जीरो यहाँ पे है इसमें अगर आप इनपुट जीरो देते हैं तो ये इनपुट ज़ीरो में कहाँ जा रहा है इसका जीरो in, इनपुट पे ज़ीरो आउटपुट और स्टेट ट्रांजिशन जीरो वन ज़ीरो तो ये क्या हो जाएगा इस स्टेट की नेक्स्ट स्टेट है जीरो वन जीरो आउटपुट जीरो ठीक है ये कॉम्बिनेशन हुआ फिर है आपका ए बी सी का कॉम्बिनेशन वन ज़ीरो वन ध्यान दीजिए कि ए बी सी का कॉम्बिनेशन वन ज़ीरो वन 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 जीरो एंड वन 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 फाइव सिक्स और सेवन इन स्टेट्स में कभी आपका फ्लिप फ्लॉप नहीं एंटर कर रहा तो आप उन्हें डोंट केयर टर्म की तरह एंटर करेंगे और इनके लिए आप आगे नहीं सर्किट एनालिसिस करेंगे या कंडीशन एनालिसिस करेंगे ठीक उसके बाद में आता है आपका x इक्ल्स टू वन इनपुट इक्वल्स टू वन के लिए स्टेट ट्रांजिशन ढूंढिए अगर इनपुट वन दे और प्रेजेंट स्टेट जीरो 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 हो प्रेजेंट स्टेट जीरो 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 हो और इनपुट वन हो तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी ये एरो बताता है कि नेक्स्ट स्टेट वन ज़ीरो ज़ीरो होगी आउटपुट वन होगा क्या होगी वन ज़ीरो जीरो और आउटपुट वन फिर अगर इनपुट वन के साथ आप जीरो जीरो वन स्टेट में हैं जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन की ये स्टेट है इनपुट वन देते हैं तो नेक्स्ट स्टेट वन जीरो जीरो विथ आउटपुट वन वन जीरो जीरो विथ आउटपुट वन फिर उसके बाद में है अगर प्रेजेंट स्टेट जीरो वन जीरो थी इनपुट वन था जीरो वन जीरो और इनपुट वन इस स्टेट में अगर आप इनपुट वन देते हैं तो नेक्स्ट स्टेट होती है ज़ीरो 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 विथ आउटपुट वन नेक्स्ट स्टेट है आपकी ज़ीरो 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 विथ आउटपुट वन देन कम्स इफ स्टेट इज ज़ीरो वन वन एंड इनपुट इज वन ज़ीरो वन वन का ये कॉम्बिनेशन इनपुट वन अगर आप इनपुट वन देते हैं तो इस स्टेट से इस स्टेट में ट्रांजिशन होता है विथ आउटपुट वन तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो गई जीरो वन ज़ीरो एंट्री कीजिए जीरो वन जीरो आउटपुट वन देन कम्स द स्टेट वन जीरो जीरो विथ इनपुट वन वन जीरो जीरो की स्टेट ये इनपुट वन अगर आप इसमें इनपुट वन देते हैं तो ये यहां मूव कर रहा है ये एरो बता रहा है ना इनपुट वन आउटपुट जीरो एंड नेक्स्ट स्टेट इज जीरो वन वन तो नेक्स्ट स्टेट हो गया आपकी जीरो वन वन विथ आउटपुट जीरो ओके देन अगेन इफ इनपुट कॉम्बिनेशन इज वन जीरो एंड वन 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 यू विल सिंपली एंटर अ डोंट केयर टर्म इन दिस कॉलम्स ठीक है ये जो आपके कॉलम है उनमें इन रोज के सामने आप डोंट केयर टर्म मैंशन कर देंगे तो यहाँ पे आपने स्टेट टेबल स्टेट डायग्राम को देख के आपने ये कंप्लीट टेबल बनाई है अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा पहला स्टेप क्या था इनपुट की जीरो कंडीशन और सभी पॉसिबल स्टेट्स इनपुट जीरो था सभी पॉसिबल एट स्टेट फिर इनपुट वन सभी पॉसिबल एट स्टेट्स ठीक इनका आपने कॉलम बनाया और स्टेट डायग्राम को देखकर आपने नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट को एंटर कर दिया इसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा वो ये होगा कि अगर आप इस सर्किट को टी फ्लॉप से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इस टी ए ये ए और ए टी प्लस वन क्या है ये ए फ्लिप फ्लॉप जो कि टी टाइप का है उसकी स्टेट एक्साइटेशन है इसकी स्टेट जीरो से जीरो जा रही है जीरो से जीरो जा रही है जीरो से जीरो जीरो से जीरो वन से जीरो ये डोंट केयर जीरो से वन तो हर एंट्री के लिए आप इस स्ट्रेट ट्रांजिशन के लिए इनपुट उस टी फ्लॉप का एंटर करेंगे इसी तरीके से दूसरे फ्लॉप का और तीसरे फ्लॉप का सिंगल बिट पहले इन दो बिट्स को कंपेयर करते हुए आप टी ए की एंट्री करेंगे ये ए जो है वो टी ए इनपुट के लिए क्यू ए टी है ना आप यहां पे जो भी फ्लिप फ्लॉप है क्योंकि अभी टी फ्लिप फ्लॉप है तो बहुत आसान है इन दो बिट्स के हिसाब से टी को डिसाइड करना अगर जेके फ्लिप फ्लॉप होता इस जो प्रॉब्लम uh, स्टेटमेंट में आपको तीन ऑब्जेक्ट दिए हुए थे कि uh, इस सर्किट को डिजाइन करें विथ टी फ्लिप फ्लॉप विथ जे के फ्लॉप विथ आर एस फ्लिप फ्लॉप ठीक है तो यहाँ पे अगर जेके फ्लिप फ्लॉप दिया होता तो आप जीरो से जीरो ट्रांजिशन के लिए जे JA ए और के ए ये जो आपके कॉलम्स है वो और बढ़ जाते हैं और आप फिर उसके लिए जे ए और के ए दो दो एंट्री करते हैं अभी मैं टाइम लिमिट की वजह से टी ए करके आपको दिखा रही हूँ आप इसी सर्किट को जे के फ्लिप फ्लॉप से डी फ्लिप फ्लॉप से भी इम्प्लीमेंट करके देखिएगा ओके तो पहला जो कॉलम है आप केवल पहले कॉलम को देखेंगे और टी ए को एंटर करेंगे ज़ीरो से ज़ीरो मूव करना है टी शुड बी ज़ीरो ज़ीरो से ज़ीरो मूव करना है टी शुड बी ज़ीरो ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैनुअल मिस्टेक होने के बहुत चांसेस हैं सो बिट अ लिटिल केयरफुल जीरो से जीरो जीरो और जीरो से जीरो जीरो वन से जीरो टी शुड बी वन अगर आप स्टेट को टॉगल कर रहे हैं तो आपका टी वन होना चाहिए अदरवाइज अगर स्टेट मेंटेन रह रही है तो टी जीरो होता है इन टर्म्स पे आप टी को डोंट केयर ही एंटर करेंगे फिर जीरो से वन ठीक ए जो है वो ज़ीरो से वन मूव कर रहा है तो टी ए शुड बी वन जीरो से वन टी ए शुड बी वन जीरो से जीरो टी ए शुड बी जीरो जीरो से ज़ीरो टी ए शुड बी ज़ीरो वन से ज़ीरो टी ए शुड बी वन अगेन डोंट केयर टर्म्स देन कम्स द सेकेंड कॉलम जो कि बी फ्लिप फ्लॉप के लिए एंट्री होगी जीरो से वन टी बी शुड बी वन ज़ीरो से ज़ीरो टी बी शुड बी जीरो वन से वन टी बी शुड बी जीरो देखिए मैं बी की एंट्रीज को कंपेयर कर रही हूँ बी वन है और वन से वन ही रहा अगर स्टेट मेंटेन है तो टी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट ज़ीरो होना चाहिए फिर है वन से जीरो इट शुड बी वन जीरो से वन शुड बी वन देन डोंट केयर टर्म्स देन नेक्स्ट कम्स जीरो से जीरो शुड be जीरो जीरो से जीरो शुड be जीरो वन से जीरो शुड be वन वन से वन इट शुड भी जीरो जीरो से वन इट शुड बी वन ओके थोड़ा सा ध्यान से करिए बहुत आराम से आप अपने सर्किट को डिजाइन कर पाएंगे अब हम तीसरे कॉलम को कंपेयर कर रहे हैं जो सी फ्लिप फ्लॉप के स्टेट ट्रांजिशन को बता रहा है तो इस स्टेट ट्रांजिशन के लिए सी फ्लिप फ्लॉप के टी इनपुट पे आपको क्या देना चाहिए जीरो से वन शुड बी वन वन से वन शुड बी जीरो जीरो से जीरो शुड बी जीरो वन से वन सॉरी ये यहाँ पे देखिए मैं इस कॉलम में कंपेयर करने लगी ये यहाँ पे और यहाँ पे कंपेयर होगा जीरो से जीरो ठीक है हाँ ये ठीक है इन दोनों कॉलम में ना तो ये सी और ये इन तीन इन्हीं में आपको ट्रांजिशन करना है एम आई राइट हाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए कॉलम स्विच हो गया वन से वन इट शुड बी ज़ीरो ज़ीरो से ज़ीरो शुड बी ज़ीरो फिर ये डोंट केयर टर्म्स देन आप इस कॉलम को ध्यान से देखेंगे ज़ीरो से ज़ीरो ज़ीरो वन से ज़ीरो वन ज़ीरो से ज़ीरो ज़ीरो वन से ज़ीरो वन ज़ीरो से वन वन और ये दो तीन और ढूंढ लेता हम तो ये बन गए आपके सभी कॉम्बिनेशन अब आपके पास ये तीन ये ट्रुथ टेबल है इस कॉलम को आप भूल जाइए अब आपके पास ये ट्रुथ टेबल है जिसमें इनपुट वेरिएबल्स है एक्स ए बी और सी ठीक और ये हैं आपके तीनों टी फ्लॉप के इनपुट तो ये आपका एफ वन की तरह ट्रीट कीजिए इसे एफ टू की तरह ट्रीट कीजिए इसे एफ थ्री तीन फंक्शन की तरह इन्हें ट्रीट कीजिए और इनको इनपुट वेरिएबल की तरह ट्रीट कीजिए और आप बनाइए के मैप और के मैप से आप सॉल्व कीजिए टी ए टी बी और टी सी के लिए मिनिमाइज एक्सप्रेशन तो मैं यहाँ पे टी ए के लिए आपको आ, के मैप बना के एक्सप्रेशन बताती हूं आप रेस्ट ऑफ द स्टेट्स के एक्सप्रेशन भी इसी तरीके से निकाल लेंगे ओके तो आप आपकी ये जो टर्म्स हैं ये कौन कौन सी टर्म्स हैं कहाँ कहाँ पे ये आप इनको मिनटर्म असाइन कर दीजिए वन सॉरी ज़ीरो वन यहाँ पे असाइन करते हैं आसानी रहेगी ना क्योंकि टी में एंट्री करनी है आपको टी ए टी बी के लिए बना रहे हैं ना आप तो ये ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एवन ट्वेल्थ थर्टीन फोटीन फिफ्टीन ये मैंने क्या लिखा ये मैंने इन इनपुट कॉम्बिनेशन की मिनटर्म को डेसिमल नंबर दिया है ताकि मैं के मैप में एंट्री कर सकूं अगर आपको कोई और तरीका हैंडल लगता है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं मेरे लिए ये थोड़ा सा कन्वीनियंट है और एरर की गुंजाइश कम होती है इसलिए मैंने एक्स ए बी और सी अब ये चार वेरिएबल हैं उनकी ये सारी मिनटर्म्स हैं अब हम इन तीन के लिए के मैप बनाएंगे मैं पहले मैं पहले के मैप बना रही हूं टी a के लिए वेरिएबल्स क्या हैं वेरिएबल्स हैं एक्स ए बी और सी जिसमें एक्स और ए बी आपकी एमएसबी है तो x बार a बार x बार x a एक्स, बार, एक्स, बार, एक्स, बार, एक्स, ए, एक्स ए बार बी बार सी बार बी बार सी बी सी एंड बी सी बार मिनटम्स को भी एंटर कीजिए जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन ये आपने बना लिया चार वेरिएबल का के मैप ये लिखते हैं आपने वेरिएबल्स अब टी ए के लिए एंट्री कीजिए टी ए के लिए अगर हम एंट्री करते हैं तो टी ए कहाँ कहाँ पर वन है फोर पे वन है सीधा मिनट फोर पे वन फाइव सिक्स और सेवन पे डोंट केयटम फाइव सिक्स एंड सेवन पे डोंट टर्म देन कम्स एट एंड नाइन पे वन है एट एंड नाइन पे वन है देन ट्वेल्व पे वन है देन कम्स थर्टीन फोटीन एंड फिफ्टीन पे डोंट केयर टर्म्स थर्टीन फोटीन एंड फिफ्टीन पे डोंट केयर टर्म्स तो ये हो गई आपकी टी ए के लिए के मैप में एंट्री ग्रुप बनाइए एक ग्रुप आपका ये बनेगा जिसका एक्सप्रेशन है टी ए इक्वल्स टू इसमें कॉमन आ गया ए प्लस एक ग्रुप बनेगा आपका ये फोर सेल्स का है ना उसमें आपका आ जाएगा एक्स बी बार एक्स बी बार इसी तरीके से आप टी बी और टी सी के लिए भी के मैप बना के एंट्री करेंगे और एक्सप्रेशन लिखेंगे और टाइम लिमिट होने की वजह से हम सभी फ्लॉप की जो आ, आ, जो एक्सप्रेशन है उसको यहाँ पे नहीं डिराइव कर पा रहे इन टेबल से बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से टी बी और टी सी के लिए आप के मैं बना के उनका मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखे यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए मैंने टी बी और टी सी के एक्सप्रेशन भी लिख दिए हैं इन्हें सॉल्व करके आप अपने आंसर को इनसे चेक कर सकते हैं से आप अपने सॉल्यूशंस को वेरीफाई कीजिए और आई होप कि किसी भी गिवन स्टेट डायग्राम को मेंशन किए गए किए गए फ्लिप फ्लॉप से डिजाइन करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कीप लर्निंग कीप वॉचिंग थैंक यू